महत्व बहुत बड़ा है। हमारे पांचों पांडव इसी महत्व के लिए शरीर को त्याग दिया, सुमति उनके युग में पड़ी ही नहीं और हिमालय में गल गए सब, शरीर छोड़ दिया। और उन्हीं का श्राप है कि जाओ तुम कलयुग बार बार पलोगे, फिर भी भारत की जनता इतनी सुंदर है, इतनी महान है और उसका सम्मान करती। आज दिन लोग पीपल में फेरी लगाते हैं 108 54 21 अपने पति की शुभकामना के लिए, हमारी उनकी उम्र बढ़ी रहे। और नाना प्रकार का उसमें दान भी क्या करते हैं और संगम में स्नान करते हैं। अभी एक सोमवती मासों को संगम नहाने का विशेष लाभ है, क्यों हम जो भी इच्छा करके नहाएंगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आज धार्मिक दृष्टिकोण से सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारे यहाँ इसका इतना बड़ा महत्व है कि बड़े विश्वास के साथ जो हम लोगों की घर की नारियाँ हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, पत्नी हैं, माताएँ हैं, ये अपने सौभाग्य के वर्धन के लिए इतना विश्वास के साथ भगवान का पूजन करती हैं, फेरियाँ देती हैं, वासुदेव पीपल के पेड़ के 108 फेरियाँ देती हैं। इससे उनको ये विश्वास होता है, हम सब लोगों को बराबर विश्वास बना रहता है कि इस दिन जो हमारे पुण्य कार्य होंगे, संगम जैसे संगम का स्नान हुआ, गंगा जी के यहाँ आकर के पूजन अर्चन करते हैं। चाहे जो चीज़ की दीजिए सब 108 रहता है और उसका जोड़ा लगा के पूजा की जाती है। चाहे जो सुहाग का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, जो भी हो, सबके साथ दिया जाता है, जोड़ा लगा के दिया जाता है। और पति के लंबी आयु की पूजा है, सोमवती अमावस्या की पूजा है और फेरी लगाई जाती है, 108 बार पूजा की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।